Good evening to all. I am Dr. Alpana Sopasi, welcoming you all to the Bollywood International Film Festival. आप सभी दर्शकों को, तमाम दोस्तों को नमस्कार, आप सबका स्वागत, अभिनंदन, खैर मकदम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के सेकेंड सीजन में हमें मजे से आप सभी के लिए बहुत सम्मान और सम्मान लेकर के आए। पिछले साल की अपार सफलता के बाद, यानी कि बिग 2020 की अपार सफलता के बाद, बिग 2021 में एक नया आगाज, नई शुरुआत आप सभी के साथ। तो आइए इस आगाज में जुड़ते हैं और देखो आप सकते हैं कि लगातार एक के बाद एक बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्वों से हम आपकी मुलाकात कराते रहे हैं और लगातार आप भी हमारे सभी एपिसोड में जुड़ करके सभी कार्यक्रमों का आनंद लेते रहे हैं। हम सभी से एक सवाल किया था कि हम सब कैसे बोल सकते हैं बिग फिल्म। प्यारे दोस्तों, जो भी लोग बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से जुड़ना चाहते हैं या अपनी फिल्मों की एंट्री भेजना चाहते हैं, उन सभी को मैं बता देती हूँ कि बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो आपके लिए लेकर के आया है एक नया डिस्काउंट ऑफर। शायद आवाज की कुछ प्रॉब्लम आ रही है सभी को। मैं थोड़ा सा तकनीकी व्यवधान है, हम फिर से वो करते हैं जी। शायद आप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी तो मुझे सूचित करें। अगर अभी आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज मुझे बताएं जरूर। बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एक बार पुनः कल्पना झा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। नमस्कार कल्पना जी, कह रही हैं कि आवाज आ गई है। थैंक यू कल्पना जी। ये थोड़े से तकनीकी व्यवधान है जो अक्सर हो जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 की अपार सफलता के बाद बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में हम एक बार फिर से हाजिर हैं आप सभी के लिए बहुत सारा कमाल, बहुत सारा धमाल लेकर के। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछली बार भी हमने अंतर्राष्ट्रीय से लेकर के, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्में तो आपने देखी ही, राष्ट्रीय स्तर की और क्षेत्रीय सिनेमा तक को भी प्रमुखता से जो है आप सभी के सामने रखा। तो इस बार भी हमारी कोशिश है कि क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिनेमा आप सब तक पहुंचाया जाए। बहुत से दोस्त हमसे जानना चाह रहे थे कि आखिर क्या कारण है, मतलब किस तरह से हम आपके साथ जुड़ सकते हैं, कुछ तो बताइए। तो हम उनको बता देते हैं कि अगर आप बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्में भेजना चाहते हैं, भले ही आप डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाते हो, भले ही आप शॉर्ट मूवीज बनाते हो, भले ही आप जो है फीचर फिल्में बनाते हो, अगर आप किसी भी तौर पर इस दुनिया से जुड़े हैं, फिल्मों की दुनिया से, तो आप अपनी एंट्रीज जो है हमें भेज सकते हैं बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म फ्रीवे के माध्यम से या फिर हमारी वेबसाइट www.biffmumbai.com के जरिए। और साथ ही साथ आप हमारी स्क्रीन पर नीचे सभी नंबर्स भी देख पा रहे होंगे। और एक खास बात, अगर आप अपनी एंट्रीज 31 अगस्त तक हमें भेजते हैं तो आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट। ये एक सुनहरा मौका है दोस्तों, इसे छोड़िएगा नहीं, क्योंकि जो है अगर आप अभी भेज देंगे अगस्त तक, 31 अगस्त तक, तो आप 50% का डिस्काउंट पाएंगे। हालांकि उसके बाद भी एंट्रीज भेजी जा सकती हैं, लेकिन ये जो डिस्काउंट का प्रावधान है ये 31 अगस्त तक आप सभी के लिए रखा गया है। साथ ही साथ आप सबको बता दें कि आप स्पॉन्सर्स के तौर पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को हमारे इस माध्यम से रखना चाहते हैं, लोगों के सामने तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। तो आप हमारे पार्टनर के तौर पर हमसे जुड़ सकते हैं और उसके लिए आप हमें भेज सकते हैं जो भी आप अपना प्रोडक्ट तैयार करते हैं उसकी पूरी जानकारी, और आप हमारे साथ स्पॉन्सर के तौर पर जुड़ सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के जो स्पॉन्सर्स हैं, यश विद्या फिल्म्स, फिल्म प्रीवे, पहल फाउंडेशन या फाइन ग्रेन फिल्म्स, इन सभी की तरह आप भी हमारे पार्टनर बन सकते हैं। तो दोस्तों ये मौका खोइएगा नहीं, बड़े सुनहरी मौके होते हैं, हमसे जुड़िए और
किसी भी तौर पर आप जुड़ना चाहते हैं फिल्मों की एंट्री भेजकर या स्पॉन्सरशिप के जरिए, तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो आप सब जानते ही हैं कि लेट्स टॉक हमारे एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको मिलवाते हैं बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत व्यक्तित्व से, ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अभिनय के क्षेत्र में इतना बड़ा मकाम बनाया है कि आज उनका अनुसरण करके लोग बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। आज जिनसे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ना दोस्तों, वो कमाल के अभिनेता हैं। उनके बहुत सारे नाम हैं। अब आप कहेंगे कि नाम बहुत सारे कैसे? असल में उन्होंने इतने किरदार जिए हैं और इतनी सशक्तता से जिए हैं कि हर किरदार उनका चर्चित हो गया और वही नाम उनका चर्चित हो गया। आप उन्हें लगान के मुखिया के तौर पर भी जानते हैं, आप उन्हें चंद्रकांता के पंडित जगन्नाथ के तौर पर भी जानते हैं, तनु वर्ष मनु में त्रिवेदी जी के तौर पर भी आप उन्हें जानते हैं, और चिड़ियाघर के बाऊजी के तौर पर तो वो घर घर जाने जाते हैं। साथ ही साथ शहीद आजम भगत सिंह फिल्म हो या सलीम लंगड़े पे मतरो जैसे नाटक हो या राम कुमार की तेरहवीं, पान सिंह तोमर जैसी फिल्म हो या अमू तर्पण, मोहल्ला जस्सी और वेलकम अबू, हर एक फिल्म में इन्होंने इतनी सशक्तता से अपना किरदार निभाया कि लोगों के जहन में बस गए, दिलो दिमाग में बस गए। आज भी लोग इन्हें बहुत प्रेम से याद करते हैं और उनका हमारे साथ जुड़ना यकीनी तौर पर हमारी खुशनसीबी है। तो दोस्तों, ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे आपको, आपको मिलवाते हैं एक बहुत ही बेहतरीन अद्भुत अभिनेता, उतने ही संवेदनशील हृदय के कवि, हृदय के स्वामी और बहुत ही अद्भुत रंगकर्मी, आदरणीय राजेंद्र गुप्ता जी से। आइए स्वागत करते हैं आदरणीय राजेंद्र गुप्ता जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम सर। कैसे हैं आप सर? जैसा दिख रहा हूँ वैसा ही हूँ। बहुत कमाल दिख रहे हैं सर आप, हमेशा की तरह वही हंसता मुस्कुराता चेहरा आपका। और देखिए सर, आपको सुनने के लिए इतने लोग हमारे साथ जुड़े हैं ना, बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार हो रहा था बहुत देर से। हमारे साथ में विशाल शर्मा जी जुड़े हैं जो कि बिप और हाइपा से भी जुड़े हुए हैं, अशोक मेहता जी हाइपा से जुड़े हैं, और अशोक मेहता जी ने मुझे पर्सनली मैसेज करके कहा था कि राजेंद्र जी को कहिएगा मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। जी जी। और अभिषेक पंडित जी जुड़े हैं, शेफाली गुप्ता जी जुड़ी हैं जो कि हमारे बिप की महत्वपूर्ण सदस्य हैं, कल्पना झा जी अद्भुत अभिनेत्री हैं और वो जो है पंचलैट फिल्म में उन्होंने कमाल का काम किया था, परमानंद रामदेव जी जुड़े हैं, आदरणीय प्रतिभा सुमन मैम साथ में जुड़ी हुई हैं, सोनू सिलन जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राजेंद्र गौतम जी नवगीतकार हैं, अद्भुत, बहुत ही कमाल लिखते हैं, अद्भुत कहन है उनकी, कवि हैं, वो सब लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं सर, और सब जो है आपको सुनना चाह रहे हैं, आपसे गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। एक बार पुनः आपका स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि हरियाणा में पानीपत और पानीपत का एक लड़का वहां से निकलकर फिल्मों की नगरी तक पहुंचता है, हरियाणा के अगर उस दौर पर दृष्टिपात करें तो हम पाएंगे कि उस समय बहुत ज्यादा इन चीजों को लेकर क्रेज नहीं था, हालांकि अब स्थितियां बदल रही हैं, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा इस तरह का फिल्मों का रंग कर्म का बहुत ज्यादा क्रेज नहीं था, और आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी ऐसी नहीं थी कि अभिनय विरासत में परंपरा में आपको उस तरह से मिला, तो ये कुलबुलाहट कहाँ से पैदा हुई सर अभिनय की, ये जानना चाहूँ। पता नहीं जी। सच में नहीं पता कहां से पैदा हुई, कहां, खुद भी हैरानी होती है जब उस पर गौर करते हैं, मगर इतना याद आता है कि किसी भी और चीज में, चाहे वो पढ़ाई के दूसरे विषय हों, चाहे स्पोर्ट्स खेलकूद वाले विषय हों या खेलकूद में एक्चुअल
हिस्सा लेना हो, किसी भी चीज में मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था जितना नाटक में अच्छा लगता था। क्या उस बाकी सब चीजें जैसे एक खासकर पढ़ाई तो मुझे बड़ी बोझ लगती थी, क्या है ये, क्या कर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, और क्यों कर रहा हूँ, क्या जरूरी है इसको, इसके बिना हम जिंदा रहने लायक इंसान नहीं बनेंगे। और इत्तेफाक की बात है कि खेल कूद में भी, हाँ जो गली मोहल्ले के खेल होते हैं उनमें तो जरूर हम हिस्सा लेते थे, जैसे गुल्ली डंडा बहुत खेलते थे, एक और हमारे यहाँ गेम होती थी क्या, सात पत्थर एक दूसरे के ऊपर रखते थे, हाँ जी जी क्या बोलते थे उसको, पिट्ठू, पिट्ठू बोलते थे, पिट्ठू गर्मा, पिट्ठू गर्म करके, जी हाँ जी हाँ जी, उस तरह के खेलों में तो खूब मजा आता था, लेकिन वो जो देसी देसी जो खेल होते हैं, लेकिन जैसे ही वो बड़े बड़े नाम और बड़े फलक पे और किताबी से गेम, जो जैसे आज क्रिकेट है दुनिया का सबसे बड़ा गेम है अरबों खरबों रुपए का, वो सब में किसी में बड़ा खड़े हैं आप, खड़े हैं वेट कर रहे हैं गेंद आएगी तो आप, मुझ में पेशेंस की हमेशा से बहुत कमी रही है, बहुत अंदर से ही बहुत बेचैन सी आत्मा शायद में पैदा हुआ था। अब इसके अलावा क्यों ये कहां से कीड़ा पैदा हुआ मैं नहीं बता सकता, मगर इतना जरूर है कि और किसी चीज में अच्छा नहीं लगता था, मजा नहीं आता था जितना इसमें आता था। जी 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 जी, तो मतलब सर जैसे आपने शुरुआत कहां से की, मतलब एक जो आसपास के मोहल्लों में उस समय में मुझे ध्यान है कि रामलीलाएं बहुत हुआ करती थी, तो बहुत से लोगों का पहला वही रहा जी। हाँ रामलीलों का ये है कि रामलीला जब होती थी, साल में 15 दिन रहते हैं वो, उन दिनों बहुत सारे बाहर से नाटक भी आते थे, वो जरूर देखने जाता था मैं, शहर की लोकल जो रामलीला होती थी वो भी जरूर देखते थे हम, चाहे घर वालों को मना कर या रोध होकर जबरदस्ती, वो देखने जरूर जाता था मैं, और बड़ा अच्छा लगता था, मैं लगता था यहीं रहूं मैं, बस यहीं रह जाऊं, घर नहीं जाऊंगा मैं, यहीं रहूंगा मैं। क्या बात, क्या बात। तो उस तरह का कुछ जरूर था, और वो फिर ट्रांसलेट होने लगा जैसे जैसे हम लोगों ने स्कूल में फंक्शंस, जो एनुअल फंक्शंस में कभी कभी नाटक वगैरह कराए जाते हैं, उनमें मैंने हिस्सा लिया और अच्छा लगा, यूनिवर्सिटी में पहुंच गए कुरुक्षेत्र में, तो वहां भी जी, जी, उन चीजों में हिस्सा लेने लगा, और अभी वो याद करता हूँ तो बाकी किसी और चीज में कभी भी, और कॉलेज में तो बिल्कुल भी नहीं, किसी भी विषय में मुझे मजा नहीं आता था, लगता पता नहीं क्यों थोप दिया गया, कौन सा ये कोई सजा मिल रही है मुझे, पढ़ाई करनी है, लेकिन इसमें बड़ा मजा आता था, और नतीजा ये कि जीवन यही बन गया, नाटक ही जीवन बन गया। क्या बात है सर। यशपाल शर्मा सर भी हमारे साथ जो जुड़े हुए, हालांकि बहुत व्यस्तता है, वो इन दिनों थोड़ा शूटिंग में व्यस्त हैं, पर आपको सुनने के लिए आए हैं सर, और वो कह रहे हैं कि पिट्ठू गर्मा जो है वो दादा लक्ष्मी फिल्म में भी दिखाया गया है, वो खेल जो है। जी सर, क्योंकि वही खेल होते थे ज्यादातर उस समय, उन दिनों में वही होते थे सर। जी, तो फिर जैसे आपने कहा कि रामलीलाओं में मुग्ध होकर के आप बिल्कुल बरबस देखते ही चले जाते थे, और फिर उसके बाद आपने फिर कोई ऐसा रंगमंच थिएटर कोई ज्वाइन किया सर, फिर उसी दौरान या कुरुक्षेत्र में जाकर के, जैसे यूनिवर्सिटी में जाकर के आपने कौन सा थिएटर कहाँ होता था, किसको ज्वाइन, आप कौन से थिएटर की बात कर रहे हैं ज्वाइन करने की बात, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 68, सही बात, कौन से थिएटर ज्वाइन करता आप बताइए मुझे, हम किसकी बात कर रहे हैं, आज भी पानीपत जैसे शहर में आज भी कौन से थिएटर ज्वाइन करेंगे आप, थिएटर की बातें बहुत होती है, थिएटर है कहीं नहीं, या जितना भी है हम सब जानते हैं कितना है उसको, मगर इतना हम बढ़ा चढ़ा के शायद बात करते हैं क्योंकि हमारी पैशन है, मगर आम सोसाइटी में कहाँ है। सही कह रहे हैं सर, और ये विडंबना है, ये विडंबना है सर, वाकई विडंबना है, असलियत है, उसको मुझे लगता है रोमांटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए, उसको ज्यों का त्यों लिया जाना चाहिए, जैसा है वैसे ही, और हर आदमी
मैं क्या, मुझसे भी 10-10 साल 20-20 साल पहले वाले लोग उन्हीं सब हालात से तोड़ते हुए, इसका मतलब थिएटर आपके अंदर होता है, आपको अपनी अभिव्यक्ति के लिए एक एक मंच कहिए, एक हालात चाहिए होते हैं कि आप उसको अभिव्यक्त कर सकें अपने आप को, बस। जी 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 या फिर आप सिनेमा देख, हमारे टाइम में तो खासकर, मतलब अभी अभी हमारे अभिनय के सबसे बड़े बादशाह दिलीप साहब का इंतकाल हुआ है, उनको देखते थे हम, और उनको देखते या उस तरह के और बहुत सारे उस जमाने के जो एक्टर्स थे वो बहुत प्रभावित करते थे। आप थिएटर अगर कौन सा थिएटर ज्वाइन करें तो वही तो थिएटर हम देखते थे, और उसी ने हमारे दिलों में वो जज्बा पैदा किया होगा कि हम भी चाहते हैं कि हम अपनी संवेदनाएं किसी भी माध्यम से लोगों के साथ बांट सकें, और इस कदर उसने आपको प्रभावित किया कि आपको और कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, आप उसी में जीना चाहते हैं, उसी में मर जाना चाहते हैं। क्या बात, नॉर्मल लाइफ आपको अट्रैक्ट नहीं कर रही। आई थिंक ये एक थोड़ा सा कुछ अलग से किस्म के लोग भी होते हैं जिनको भावनाओं में ज्यादा मजा आता है, जिंदगी की रोजमर्रा की जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो उन्हें बोरिंग लगती हैं, वो पकड़ती नहीं, कहीं ना कहीं चिड़ भी आती है, क्योंकि समझ सकते हैं सर। हाँ, वो चिड़ क्यों आती है, क्योंकि किताबों में कुछ और पढ़ते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं असलियत कुछ और होती है, तो वो विरोधाभास में जो एक आपका मन होता है, बच्चे का मन, वो तो भागेगा ही उस विरोधाभास से, उसे कोई जवाब नहीं मिलते, तो उसको लगता है ये जो आर्टिफिशियल संवेदनाओं की जो दुनिया है ये ज्यादा असली लगती है, ज्यादा अपने मन के करीब लगती है। क्या बात है सर, मैं समझ सकती हूँ सर, कवि कलाकार अभिनेता जो भी अपने किसी आर्ट में डूबे हुए लोग हैं ना सर, वो और ही दुनिया के लोग होते हैं, वो यथार्थ की कड़वाहट को अक्सर झेल भी नहीं पाते, इस पूरे परिदृश्य में कहीं ना कहीं मिसफिट पाते हैं अपने आप को अक्सर। हाँ। जी जी जी, तो फिर उन्हीं दिनों सर आप जैसे बता रहे हैं कि दिलीप जी से सीख रहे हैं, आप सिनेमा देख रहे हैं, डूब कर देख रहे हैं, बहुत बारीकियां जहन में जा रही हैं, लगातार लगातार परिष्कार हो रहा है, और ऐसे करते करते कैसे कब और अचानक कौन सा ऐसा मोड़ था सर जब आप एनएसडी की तरफ मुड़े, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आपका जाना कैसे हुआ? नहीं, वो तो एक इंफॉर्मेशन थी, कुरुक्षेत्र में यूनिवर्सिटी में नाटकों से जुड़ने के बाद हमारे जो सीनियर लोग थे जिनके साथ मैं नाटक करता था और उन्हें कुछ लोग बहुत पसंद करते थे, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नाम की एक चीज है, तुम अगर वहां जाना चाहो तो वहां जा सकते हो, बाकायदा वहां ट्रेनिंग है, 3 साल का कोर्स है। मतलब हमें तो लगा अरे अंधा क्या चाहे दो आंखें, और साथ में अविश्वसनीय भी लगा कि ऐसा कुछ है, हो सकता है, हमने तो कल्पना भी नहीं की, ना देखा ना सुना, मगर ऐसा है तो जरूर उसको हम, एक होता है ना, मतलब आप उसको उसकी तरफ डिस्कवर जरूर करना चाहेंगे, खोजेंगे उसको, जाएंगे देखेंगे क्या है भाई और क्या संभावनाएं हैं कुछ जाने की। बस जैसे ही पता चला हम उनके साथ ही दिल्ली चले आए, रविंद्र भवन में होता था एनएसडी, वहां पहुंच गए, वहां से फॉर्म वॉर्म लिया, भरा, और इस तरह से एनएसडी पहुंच गए। क्या और एनएसडी में पहुंचकर एक अलग ही दुनिया आपके सामने थी, जहां अलग इतनी अलग कि मतलब जैसे उसने अपने आप को एक ब्लैक होल की तरह से अपने आप को पूरा अपने अंदर कर लिया आपने, और उतना ही आप बाकी बाहर की दुनिया से उतना ही कटते चले गए, क्या रखा है उस दुनिया में, और इसको देखिए या कितने खूबसूरत दुनिया है। और फिर जादूगर थे हमारे जो डायरेक्टर थे, अलकाजी साहब, अलकाजी साहब जी, इब्राहिम अलकाजी साहब हमारे उस समय डायरेक्टर होते थे, और वो वाकई जादूगर थे थिएटर के। मतलब वो जब नाटक पढ़ते थे सिर्फ क्लास में, ऐसा लगता था हम नाटक देख रहे हैं। क्या बात, और सम्मोहित होकर
पिन ड्रॉप साइलेंस। हालांकि वो उनकी भाषा अंग्रेजी थी, अंग्रेजी में पढ़ते थे, वो अंग्रेजी नाटक को ही पढ़ते थे ज्यादातर, ज्यादातर क्या ऑलवेज, चाहे वो ग्रीक नाटक हैं, चाहे शेक्सपियर के हैं, चाहे लोरका वगैरह हैं, मगर जिस तरह से वो पढ़ते थे लगता है नाटक देख रहे हैं। और भाषा क्या होती है, उसने सारा पूरा वो जो डिस्टेंस होता है, हम तो बड़े देसी स्कूलों से पढ़े हुए लोग थे जहां में छठी क्लास में अंग्रेजी पहली बार अंग्रेजी, यहाँ पर पूरी तरह से अंग्रेजी में पढ़ाया जाना और अंग्रेजी नाटक को, ऐसा लगता था भाषा क्या होती है, क्योंकि जब जब इमोशंस की बात होती है तो बाकी सारी बातें बहुत बहुत गौण हो जाती है, उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता, वो सीधे दिल की बात दिल में उतरती है वो, और भाषा पता नहीं कहाँ एक बेमानी हो जाती है, भाषा की जरूरत भी नहीं रह जाती कई बार जो। तो सबसे बड़ा जादू उनका था जो NSD ने हमें दिया, और वो एज ए सिर्फ ड्रामा टीचर नहीं, एज ए पर्सन, उनका सिखाने का अंदाज, उनका जीने का अंदाज, उनकी मेहनत, उनकी लगन, अपने हाथ से वो हॉस्टल में कभी पहुंच गए तो बाथरूम गंदा है तो खुद क्लीन करना शुरू कर दिया। ये जो आदर्श अलकाजी साहब ने पैदा किए कि आप काम अपने मेहनत कीजिए और कोई भी काम, मतलब वो किस किस लेवल पर उस वो आदमी हमारे लिए, मुझे लगता है हमारी पूरी जनरेशन जितने भी लोग थे सबके लिए और मेरे लिए तो निश्चित रूप से, वो जैसे कई कई लेवल पर रियल हीरो। वरना मैं हमेशा मानता हूं हम जब से ये सो कॉल्ड स्वाधीनता हमें मिली है आजाद भारत में, हम बेसिकली क्या कहना चाहिए, आदर्श विहीन समाज में रह रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। जो आदर्श जब हमें होश आया, जो आदर्श हमें बताए गए पॉलिटिकल हमारे लीडर्स या सोशल लीडर, वो सब के सब जैसे जैसे बड़े हुए देखा तो कहीं कोई आदर्श नहीं था, आदर्श विहीन समाज में हम जी रहे थे, कुछ नहीं था वहां। लेकिन यहाँ एक अस आदमी जो एक्चुअली टीचर है नाटक का, वो जिंदा हमारे सामने एक आदर्श दिख रहा है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी मुझे लगता है ट्रांसफॉर्मेशन थी पूरी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि आपके सामने कुछ आदर्श हैं, देखिए आप उनको जी रहे हैं जिंदा, उनकी उनकी हर चीज, एक एक ईंट खुद रख के उन्होंने थिएटर बनाया, पौधे लगाए, सफाई कैसे करते हैं, झाड़ू अगर नहीं आ रही आपको तो वो झाड़ू लगा के दिखाते थे, देखिए। जी 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 जी, मुझे लगता है बहुत ही मैं उन खुशकिस्मत स्टूडेंट्स में था जिन्होंने पूरी तरह से अलकाजी के जो स्टूडेंट थे। बिल्कुल सर, और अलकाजी ने तो पूरी एक खेप तैयार की, आप जैसे व्यक्तित्वों की पूरी एक खेप जो है उन्होंने तैयार की, और सभी लोग बहुत सम्मान के साथ आदर के साथ हमेशा उनका नाम लेते हैं। तो जब आप वहां पर रेपेटरी में भी शायद आपने काम किया सर कुछ दिन तक, बहुत कम, दो बार, दो तीन बार किया, तीन तीन चार चार महीने के लिए। मैं थोड़ा सिस्टम में फिट नहीं हो पाता हूँ, मानसिक रूप से कॉम्प्रोमाइजेस थोड़े कम है, वो मेरी कुछ कमियां भी हर आदमी में होती हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाता हूँ, बहुत जल्दी बोल भी देता हूँ, रिएक्ट कर देता हूँ कोई बात अगर गलत लग रही है तो। और जब आप नौकरी करते हैं तो उसमें तो आपको निश्चित रूप से एक डिसिप्लिन में बंधना होगा, और गलत सही बहुत सारी चीजों को आपको पीना पड़ता है चुपचाप, पी जाना। मैं नहीं, फिर भी मैं दो बार तीन तीन महीने के लिए वहां रहा, वो उनका बड़ा पन था अलकाजी साहब का कि मुझे वो लेके गए, छोड़ आया, रिजाइन कर दिया, फिर दोबारा एक बार छह महीने बाद नहीं आ पाई। अजब अजब बात। तो सर ये अभिनय की इतनी बारीकियां, और कहेंगे कि सीखने की भी जरूरत नहीं, आपकी बातों से बिल्कुल साफ जाहिर है सर कि अभिनय आपके भीतर रचता बसता था, रगों में दौड़ता था लहू की तरह कहीं ना कहीं, और बस वो उभरने की देर थी, और वो रास्ते बनते चले गए, वो उभरता चला गया, और फिर सिनेमा का सफर, सिनेमा बिल्कुल अलग दुनिया सर, सिनेमा में जाने की आपकी जो मतलब किस तरह से कोशिशें बनी या संभावनाएं बनी कि आपने सिनेमा की ओर रुख किया।
जैसे बोलते हैं ना, मरता क्या ना करता। जी मैं शायद आखिरी उन लोगों में हूं जो 13 साल बाद बंबई आया। अच्छा। मरता क्या ना करता, समझ सकते हैं। मैंने 72 में पास किया था, 85 में बंबई आया, तो सिनेमा की ओर रुख करना एक तरह का लास्ट रिजॉर्ट जो कहते हैं वो था मेरे लिए। क्योंकि थिएटर आपकी पैशन है, आपको बड़ा मजा आता है, यहां तक तो बात समझ में आती है, मगर इसका ताल्लुक सिर्फ आपसे है, आपके इर्द गिर्द जुड़ी हुई सोसाइटी, वो समाज जिससे कि आप आते हैं वो आपको घास नहीं डालता। आप अपने मुंह कितने मर्जी मियां मिट्ठू बन जाइए, कभी कभी आप इत्तेफाक से कुछ ठीक ठाक काम आपने अगर कर लिया है, चाहे अभिनय चाहे डायरेक्शन, उसमें हो सकता है थोड़ा सा एक सूडो किस्म का आपको नाम भी मिल जाए, अखबारों में आपकी चर्चा होने लगी, या कुछ दोस्त कभी कभी पढ़ के बात करते हैं, बट उस समाज को जिसको आप बिलोंग करते हैं, जहां आप पैदा हुए थे, वो आपको घास नहीं डालता। सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल। और जब वो घास नहीं डालता तो आप कब तक, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। तो आप एक दिन उस कुछ की तलाश में निकलते हैं जो आपको नहीं मिल रहा। समाज में आपकी जगह, आपके काम को या आपके होने को एक आम इंसान की तरह से उतनी ही इज्जत से देखा जाए, या उसके प्रति वो बात की जाए, जो जिस तरह की दुनिया हमने बनाई है, जिसमें हम आए हैं, जिसमें वहां बिल्कुल आपको इज्जत नहीं मिलती थी, आज शायद थोड़ी सी बेहतर है, बट आज भी मुझे लगता है नाटक से उतनी नहीं है। नाटक ये से सारा कुछ जब आप नाम कमाते हैं सिनेमा में और टेलीविजन में, जब आप दिखते हैं तो पैसा भी आता है और वो लोग आपको इज्जत भी देने लगते हैं, ये कमाल की विडंबना है। लेकिन पूरी जिंदगी का मुझे लगता है बच्चे से बड़े होते जाना मृत्यु तक एक विडंबना ही है। क्या बात है सर, क्या पंक्ति कही है सर, ये कमाल पंक्ति है। क्योंकि आप कुछ और देख रहे हैं, कुछ और जी रहे हैं, कुछ और एंजॉय कर रहे हैं, और समाज आपको उन चीजों के लिए, कोई आपको वो सलाम नहीं करता, वो उन चीजों के लिए सलाम करता है जो चीजें आप छोड़ के आए हैं वक्त, और जहां आपको मजा नहीं आता था। तो सर ये आपकी इस बात को सुन के मेरे जहन में एक सवाल आया कि आपकी नजर में सिनेमा क्या है, राजेंद्र गुप्ता जी की नजर में? सिनेमा मेरी क्या असलियत यही है, सिनेमा नाटक मेरे लिए एक ही चीज है। ये तो हम जब हम नाटक नाटक नहीं रहते हैं तो थोड़ा सा एक क्या कहना चाहिए, एक कट्टरपंथी सी आने लगती है कि सिनेमा बेकार है, सिनेमा तो कमर्शियल आर्ट है, और वो हमारी हमें उस तरह की थोड़ी सी वो भी दी जाती है, घुट्टी पिलाई भी जाती है। दरअसल तो एक ही है, सिनेमा कहाँ से आया, नाटक से ही तो आया। सही बात। नाटक को जब हमें ज्यादा लोगों तक पहुंचाना था और देखा कि कैमरा इजाद हो गया है और उसके अंदर एक मूवी कैमरा भी आ गया है, तो वो धीरे धीरे सिनेमा बन गया। और सिनेमा महंगी चीज थी, बहुत महंगा आर्ट है ये, तो जैसे वो सिनेमा बना तो उसको ज्यादा से ज्यादा उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए उसको और बड़े फलक पर बहुत ज्यादा को कमर्शियलाइज किया गया। तब देखा कि वो तो कमाई का भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफी है, मगर उसके अलावा बहुत बड़ा कमाई का साधन है, क्योंकि एक बार आपने बना दिया, चाहे
उसमें 6 महीने लगे बनाने में, चाहे 1 साल, चाहे 5 साल, या चाहे मुगले आजम को 7 या 14 साल कितने लगे थे, मगर उसके बाद अगर वो बढ़िया चीज बन गई है तो सारी उम्र पता नहीं आप कितना कमा सकते हैं, तो वो होना ही था। बट एक्सटेंशन ही तो है, क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। उनके लिए बहुत कमाल की चीज है लाइव है, क्योंकि लाइव का ऑडियंस के साथ एक बिल्कुल ही अलग अनुभव होता है, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, जिसको लिखा भी नहीं जा सकता, वो महसूस करने की बात है। महसूस होता है जब हम आमने सामने लाइव होते हैं, है ना, तो वो चीज थिएटर में मिलती है जो वहां नहीं मिलती, एग्रीड। और खासकर जब वो 600 लोग इकट्ठे सांस ले रहे होते हैं थिएटर के अंदर, और आपको मालूम है कि सामने वाले एक्टर की इमोशंस के साथ, या उसके सुख और दुख, या उसकी हंसी के साथ आप बिल्कुल जेल होते हैं उस पूरे मोमेंट के अंदर, वो एक जादू अलग है, उससे कंपेयर नहीं किया जा सकता, वो पूरे, और वो बड़ा गिव एंड टेक होता है। ऑडियंस चुपचाप देख रही होती है, मगर वो आपको वापस एनर्जाइज कर रही होती है, आपसे ले भी रही है, आपको दे भी रही है, वो एक अलग जादू है। वो फर्क को मैं कौन होता हूं उसको नकारने वाला, वो फर्क तो रहेगा, लेकिन उस फर्क की अहमियत हमारे जैसे सस्ते मुल्क में, गरीब मुल्क में क्या है, सिवाय कि वो 500 या 1000 या पूरे साल भर में अगर बहुत हिट हो गए तो 5-10 हजार लोगों ने आपका नाटक देख लिया, और वो भी कौन लोगों ने देख लिया, वो जो सुपर रिच क्लास है, और उन्होंने ओवर द ड्रिंक्स उसकी चर्चा की, या हवाई जहाज में बैठे हुए वो जो टिपिकल मैगजीन्स होती हैं जो हवाई जहाज में ही मिलती हैं, उनमें आपकी तस्वीरें और आपके नाम छप रहे हैं, बट अदरवाइज मासेस से कोई लेना देना नहीं है। वो एक अलग बात है, बट अदरवाइज सिनेमा हम मिडिल क्लास के लिए, गरीब आदमी के लिए सिनेमा नाटक ही है। वो बेचारा यहीं पर वो नाटक देख रहा है। क्या बात है, बिल्कुल अलग से क्या देखेंगे हम, क्या बोले हैं सिनेमा के बारे में, जो असलियत है, सहज है, सच्ची है, फैक्चुअल है। सहज है, सच्चा है, बिल्कुल जो सामने दिख रहा है, और जिसे फिर वही बिल्कुल आपने सही कहा सर कि एक्सेसिबल है, जो आपके साथ चलता है जी, अवेलेबल है, एक्सेसिबल, हाँ अवेलेबल है, बिल्कुल बिल्कुल। उपलब्धता भी देखी जाए कि कितने समय तक की उपलब्धता, वही तो है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने, लेकिन ठीक है सर, रंगमंच का अपना आनंद है, उसका कोई वो नहीं हो सकता, वो आपने जैसे कहा कि वो तो गूंगे को गुड़ जैसा स्वाद है सर, जिसके लिए शब्द नहीं मिलते, वो अलग तरह का स्वाद है सर। वसुंधरा व्यास जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तपन कुमार पटनी जी हमारे बीच के बहुत सक्रिय सदस्य जुड़े हुए हैं, प्रतिभा सुमन मैम लगातार जुड़ी हुई हैं, मनीषा हंस जी जो हैं बहुत अद्भुत जो है थिएटर करती हैं वो जुड़ी हैं, राजेंद्र गौतम जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, पवन शर्मा जी निर्देशक वो जुड़े हुए हैं, यशपाल शर्मा सर जो है वो भी जुड़े हुए हैं, लगातार सुन रहे हैं आपको। बीच में उनकी एक दरख्वास्त आई थी सर की कि आप कविताएं इतनी कमाल पढ़ते हैं, इतनी खूबसूरती से पढ़ते हैं, तो एक कविता अगर हो जाए ना सर, उसके बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन एक कविता अगर, बहुत से लोग ऐसे हुए हैं सर सिनेमा में भी जो कवि रहे, मतलब बल्कि पिछली परंपरा देखे, साहिर साहब रहे हो या जितने भी राइटर थे उस समय, बदायूनी साहब रहे हो, वो सब लोग जो है कवि ही थे, मूलतः शायर थे, कवि थे, और फिल्मों के लिए भी उन्होंने गीत लिखे। आज के दौर में अगर हम बात करें तो ऐसे ही गुलजार साहब भी हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो कवि भी हैं, मंचों पर भी उनकी सक्रियता है और वैसे भी वो जुड़े हैं, तो एक कविता अगर आप किसी ऐसी ही शख्सियत की हमारे सामने रखें सर, आपने कमाल किया हुआ है सर, आपकी आवाज में कविता सुनना बिल्कुल ऐसा है जैसे उसे जी लिया हो, बिल्कुल इतने अद्भुत अंदाज में आप पढ़ते हैं सर, और आपने एक बार कहा था कि कविताएं मैं चुनता नहीं हूं, मुझे कविताएं चुनती हैं, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी सर वाकई, और जितनी भी कविता, ये निश्चित है अपने आप ही होता है, मुझे नहीं मालूम, मैं कई बार चुनना चाहता हूँ, जब तो मैं
दस दस बीस बीस पचास पचास कविताएं पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता मैं किसको पढ़ूं। और जिस कविता को मुझे चुनना होता है वो पहली या दूसरी रीडिंग में तय कर लेती है, नहीं आपको मुझे पढ़ना पड़ेगा क्या? और मैं कहता हूँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। क्या बात, तो ऐसी ही कोई कविता आ जाए सर। देखिए प्यार तो खुद ब खुद होता है, किया नहीं जाता। किया नहीं जाता, क्या बात। तो ऐसा ही कोई एक रचना। किसकी सुनाऊं मैं, अपनी सुनाऊं? आप अपनी एक रचना सुना दीजिए सर, बिल्कुल। और जैसे आप जिक्र कर रहे थे गुलजार साहब का भी, उनकी हाँ। कोई रचना जी? पहले किसकी सुनेंगे आप? जैसा आप चाहें सर, फिर हम ब्रेक के बाद फिर से एक कविता सुनेंगे आपकी, अभी हम गुलजार साहब की सुन लेते हैं। ओके ओके जी सर। देखिए सभी रविंद्र जी जुड़े हैं हमारे साथ में, रमन नासा जी जो हैं बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं और हमारे हाइफा परिवार की सदस्य हैं, वो भी जुड़ी हैं। राजेंद्र अंकल कह रहे थे कि आंटी जी को आपका बाबूजी वाला किरदार, बाबूजी वाला जो है चिड़ियाघर वाला, बहुत पसंद है, राजेंद्र गौतम सर ने कहा है। क्या मोनिका डावर जी जुड़ी हैं, अद्भुत फोटोग्राफी करती हैं, कमाल की शख्सियत हैं, हमारे साथ जो है जुड़ी रहती हैं लगातार। बहुत सारे लोग जिनके मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े। जी सर, इरशाद। आपने एक कविता की बात की है, मैं गुलजार भाई की एक कविता पढ़ता हूँ। गुलजार भाई अद्भुत कवि हैं, अपने किस्म के इकलौते कवि हैं, बड़े अनयूजुअल कवि हैं। उनकी कविताएं अपनी ही किस्म की हैं, वो खुद ही अपनी एक मिसाल हैं। उनकी एक कविता है जिसका शीर्षक है वो जो शायर था। क्या बात, चुप सा रहता था वो जो शायर था, चुप सा रहता था, बहकी बहकी सी बातें करता था, आंखें कानों पे रख के सुनता था। क्या बात। वो जो शायर था, चुप सा रहता था, बहकी बहकी सी बातें करता था, आंखें कानों पे रख के सुनता था, गूंगी खामोशियों की आवाजें, गूंगी खामोशियों की आवाजें कानों पे रख के सुनता था, जमा करता था चांद के साए। वाह, वो जो शायर था, चुप सा रहता था, जमा करता था चांद के साए, गीली गीली सी नूर की बूंदें, जमा करता था चांद के साए, गीली गीली सी नूर की बूंदें, ओक में भर के खड़खड़ाता था, गीली गीली सी नूर की बूंदें ओक में भर के खड़खड़ाता था, और रूखे रूखे से रात के पत्ते, रूखे रूखे से रात के पत्ते वक्त के इस घनेरे जंगल में, वक्त के इस घनेरे जंगल में कच्चे पक्के से लम्हे चुनता था। हाँ वो वही वो अजीब सा शायर, हाँ वही वो अजीब सा शायर, रात को उठ के कोहनियों के बल चांद की थोड़ी चूमा करता था। क्या बात है। वही अजीब सा शायर, रात को उठ के कोहनियों के बल चांद की थोड़ी चूमा करता था, चांद से गिर के मर गया है वो, चांद से गिर के मर गया है वो। लोग कहते हैं खुदकुशी की है। क्या वो जो शायर था, चुप सा रहता था, बहकी बहकी सी बातें करता था, आंखें कानों पे रख के सुनता था,
गूंगी खामोशियों की आवाजें और जमा करता था चांद के साए और गीली गीली सी नूर की बूंदें ओक में भर के खड़खड़ाता था रूखे रूखे से रात के पत्ते वक्त के इस घनेरे जंगल में कच्चे पक्के से लम्हे चुनता था वही अजीब सा शायर चांद से गिर के मर गया है चांद से गिर के मर गया है वो लोग कहते हैं खुदकुशी की है क्या बात धन्यवाद निशब्द कर दिया सर आपने मैं क्या कहूं मतलब मैं बिल्कुल भावुक हो गई खुद भी भीतर से और आप आपके आवाज की वो लर्जिश भी मैं पहचान पा रही थी थोड़ा से भावुक हो रहे हैं आप भी पढ़ते और मैंने अनेक बार देखा है आपको कविता पाठ करते हुए आपकी आंखों से बरबस आंसू बह चलते हैं ये जो संवेदनशीलता है ना सर आपके भीतर तक जो सर आप अभी भी भावुक हो रहे हैं लेकिन ये किसी भी कवि की सबसे बड़ी कामयाबी होती है कि कविता जिस तौर पर कही गई है जिस तरह से अनुभूत करके रची गई है उसी तरह से अगर अगला व्यक्ति उसको पढ़े कोई भी व्यक्ति अगर उसको उसी तौर पर ले यही जादू है आर्ट का यही जादू कला का कविता का और मुझे लेटली लगने लगा है ये जादू सबसे ज्यादा शिद्दत के साथ उभर के आता है अच्छी कविता में इससे बेहतर कोई और फॉर्म नहीं है कला की जो इस कदर आपको अपने अंदर खींच लेती है ब्लैक होल की तरह से और निकलने नहीं देती है अच्छी कविता का ये जादू है बांध लेती है सर दिल से दिल तक पहुंचती है सीधे वार अगर हो सकता है तो इन शब्दों के जरिए इन कविताओं के जरिए हो सकता है इतनी तारीफें आ रही हैं ना सर सब बहुत कमाल प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सभी की ये जो संवेदनशीलता है कविता के प्रति आपका प्रेम अभिनय के प्रति आपका प्रेम बल्कि सिर्फ प्रेम भी नहीं कहेंगे इसे दीवानगी कहूंगी सर मैं ये कहीं ना कहीं दीवानगी है उसी में डूबे रहना उसी तरह की गतिविधियों को जानना उनको जीना ये दीवानगी आप में बहुत पहले भी थी सर आप याद कीजिए वो दौर ये शुरू से ही है और आप ऐसे प्रयास लगातार करते रहे हैं कि आप इस दीवानगी को जीते रहे जब चौपाल लगा करती थी मैं उस दौर की बात कर रही हूँ सर जब आपके घर में जो है आराम नगर में चौपाल लगा करती थी और एक से एक दिग्गज हस्तियां चाहे नसीर साहब रहे हो पुरी साहब रहे हो बड़े से बड़े व्यक्तित्व बड़े से बड़ी शख्सियतें जो है उस चौपाल में शिरकत करते थे वो उस दौर को थोड़ा सा अगर आप बताएं क्या था वो चौपाल किस तरह से वो चौपाल वो बैठक शुरू हुई क्या रूप लिया उसने और कहां तक कैसे चला फिर उसका पूरा दौर देखिए मुझे लगता है हम जो नाटक वाले लोग हैं ना वो बेसिकली अड्डेबाजी बहुत करते हैं जी 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 नाटक करना मतलब अड्डेबाजी अड्डेबाजी हाँ अगर इसको दूसरे तरह से ना लिया जाए जो करने वाले वो समझ सकते हैं बाहर के लोग कहेंगे अड्डेबाजी कर रहे हैं बैठे गप्पे मार रहे हैं और क्या कर रहे हैं गप्पे मार रहे हैं कभी दारू पीते हैं कभी चायबाजी करते हैं टाइम पास कर रहे हैं हाँ छोटे शहरों में उसको पटियाबाजी भी कहते हैं पटिया छाप बैठे हैं है ना बैठे तो अड्डेबाजी हम लोग करते ही थे इत्तेफाक से मेरे पास एक ऐसा घर था आराम नगर में जहाँ पर एक हमने आंगन अच्छा बनाया हुआ था उस आंगन को एक छोटा सा थिएटर का रूप भी देने की थोड़ी बहुत कोशिश की थी अक्सर अब वो आराम नगर का एरिया बंबई वाले जानते हैं या सात बंगला यारी रोड लोखंडवाला वहां धीरे धीरे बहुत कलाकार दिल्ली से आने वाले नए लोग पुराने भी बहुत वहां आसपास बहुत रहते हैं रहने लगे थे तो मैंने पाया कि बहुत सारे लोग हमारे आसपास यारी रोड वगैरह पे इधर उधर सब रहते हैं हमारे साथी हैं जो दिल्ली से भी गए हुए हैं या बंबई में नए दोस्त जो बने हैं जो नाटक के उतने ही दीवाने हैं और उनको भी अड्डेबाजी का उतना ही शौक है जितना हमें है तो उनको इकट्ठा करके हम कभी कभी नाटक पढ़ना उपन्यास पढ़ना कविताएं पढ़ना बांटना शेयर करना और थोड़ी बहुत छोटी मोटी तारीफ को एंजॉय करना ये सब करते रहते थे इस बीच में
हमारी मुलाकात, दरअसल मैं उन्हीं को सारा श्रेय दूंगा, चौपाल दरअसल उन्होंने ही शुरू करवाई थी। इस बीच में हमारी, हमने एक नाटक देखा, श्री शेखर सेन का नाटक, उन्होंने नए नए वन मैन शो कुछ शुरू किए थे, जो एक बिल्कुल नई सी चीज थी बंबई में, और हमें कुछ दोस्त हम देखने चले गए। उन्होंने तुलसी नाटक किया था, वो बहुत बड़े मिशन है, गायक हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, खुद ही कहानी भी जी, तो जानते हैं आप सब लोग, गायकी तो कमाल है उनकी, जादू है, मगर वो सब कुछ वन मैन इंडस्ट्री है, तो हम थोड़े से उतने उस काम के प्रति बहुत उत्सुक और लालायित नहीं थे, क्योंकि थोड़ी वो रहती है यार, एक ही सब कुछ एक आदमी कर रहा है, मतलब फिर भी देखने गए तो उनका जो बाकी सारा काम तो कमाल था, मगर जब वो गाते थे तो ऐसा लगता था जैसे पूरे हॉल को वो स्वीप कर रहे हैं, और कहानी को इतना पिरोते थे। उन्होंने तुलसी की कहानी को कहते कहते वन मैन, एक सोलो, एक तरह का सोलो लिखी नाटक भी है, मगर वो कहानी अल्टीमेटली घूम फिर के हर 5 मिनट के बाद एक गाना या चौपाई या उनका तुलसी के वो सब आने लगा था, तो वो बांध लेता था पूरी तरह से, हमें हिलने नहीं देता था, तो उससे बड़े प्रभावित हुए, और उन्होंने फिर ये सजेस्ट किया कि आप नजदीक में ही रहता हूं मैं भी, और आप तो ये करते रहते हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जो जो कलाकारों के आपस में एक दूसरे के मनोरंजन के लिए भी हो, और एक दूसरे के साथ आदान प्रदान भी हो, अलग अलग विधाओं का, एक जैसे मैं म्यूजिक का आदमी हूँ, आप लोग ना, तो थोड़ा सा वो आदान प्रदान भी होगा, और एक दूसरे का मनोरंजन के लिए भी करेंगे, अदरवाइज भी इतना समय हम वेस्ट करते हैं, तो क्यों ना इसको एक क्रिएटिवली। मैंने कहा भाई साहब हम तो करते रहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, लेट अस स्टार्ट, आप जो भी करना चाहते हैं। तो इस तरह से 98 के अंदर 1998 में ये चौपाल शुरू हो गई, उसके 2-1 महीने बाद शायद कालिदास जयंती का दिन था, 25 जून या क्या होता है, तो उस दिन हमने कालिदास पर पहली चौपाल की, जिसमें हमने कालिदास का नाटक पढ़ा, हमने कुछ अंश पढ़े आषाढ़ का एक दिन से, मैंने और सीमा भार्गव ने, और उन्होंने शेखर जी ने कुछ गाया कालिदास पर, उनकी एक कविता थी नागार्जुन की, कालिदास सच सच बतलाना, इस तरह से मतलब शुरुआत हुई, और लोग इतने आए, इतना एंजॉय किया कि वो तो फिर वो दिन और आज का दिन, यहाँ तक कि पहले 2 साल वो 1 महीने में 2-2 चौपाल होती थी, और चौपाल बड़ी नॉन कमर्शियल बेसिकली थी, जिसके अंदर कोई पैसे वैसे का ना लेना देना है, ना कमाई है, ना कोई सेक्रेटरी है, ना प्रेसिडेंट है, कोई हमने रूप ही नहीं बनाया, वरना मंच धीरे धीरे 2-4 साल चलते हैं, उसके बाद उनमें आपस में विघटन होने लगता है, लोगों के अपने स्वार्थ जुड़ने लगते हैं जो उसको बिखरा देते हैं, कोई या सत्ता का प्रॉब्लम, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। आज आप देख लीजिए 21 और 2 23 साल हो गए अब तक चौपाल चली आ रही है, महीने में एक बार होती है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पता ही नहीं चलते, एवरेज 4 घंटे कम से कम बैठे रहते हैं लोग, और नाटक होता है, कहानी होती है, म्यूजिक होता है, करंट अफेयर्स भी होते हैं, और इस तरह से कौन कौन शख्सियतें आई होंगी सर उस चौपाल में? मुझे यशपाल सर का तो मालूम है, आपने हाइफा में जब बताया था कि यशपाल सर भी उसमें आते थे, और उन्होंने लिखा भी है कि गुलजार की कहानी की थी, गुलजार जी की कहानी की थी, तो ये और कौन कौन शख्सियतें उसका हिस्सा बनी चौपाल का? चौपाल में कौन नहीं आया जिसका भी ताल्लुक जरा सा भी नाटक से, म्यूजिक से, फिल्म से है, और वो सिर्फ प्योर कमर्शियल दुनिया का आदमी नहीं रह गया जिसको लगता है ये सब क्या टाइम वेस्ट है, वो सब आए हैं चौपाल में। चौपाल में गुलजार साहब से लेकर जगजीत सिंह, निदा फाजली, मतलब किसका नाम लूं, किसका भूलूं, क्या भूलूं, क्या याद करूं, ये तो कमाल का है बच्चन जी के, क्या भूलूं क्या याद करूं बिल्कुल सही कहा सर आपने, ये कमाल की आपकी वो थी, मतलब जो भी थोड़े बहुत क्रिएटिव लोग थे जो दिन रात कुछ गुनना चाहते थे, कुछ सुनना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, उन सभी का एक जो जमावड़ा था कमाल का जी, एक ग्रोथ होती है, बहुत सारा कुछ हमें नहीं पता होता जो दूसरे से हमें मिलता है, और आपस में मिलते हैं जी, मौका जी, भी मिलता था कई बार नए कवि, नए नाटककार या नए म्यूजिशियन, एक तरह से थोड़ा बहुत उनको एक छोटा सा नया मंच भी मिलता था, प्रोत्साहन भी मिलता था, जहां धीरे धीरे अपनी कला को
और ज्यादा मान सकें, प्रोत्साहित जी। तो सर जैसे बात कर रहे थे हम सिनेमा की, सिनेमा में आपने लगभग हर तरह का किरदार किया, हर तरह के, इतनी फिल्में की, इतने सीरियल आपने किए, और सबसे अच्छी बात ये है ना सर, बहुतायत में काम करना उतना मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि जितना भी आपने काम किया उसने एक लकीर खींची हमेशा के लिए, उस काम ने ये मतलब देर तक दूर तक की अपनी पहचान बनाई, आपका हर किरदार जो है लोगों के जहन में रच बस गया। और न केवल राष्ट्रीय सिनेमा बल्कि क्षेत्रीय सिनेमा की बात भी करें अगर हम, क्षेत्रीय सिनेमा के लिए भी आपने काम किया। मैंने लाडो फिल्म देखी थी सर हरियाणा की, उसमें आपने काम किया था, वो भी मुझे बहुत ही, और अब दादा लक्ष्मी फिल्म में मानसिंह गुरु जी का जो आपने रोल किया है, और वैसे भी दादा लक्ष्मी फिल्म अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमाल कर रही है, एक के बाद एक अवार्ड जीत रही है, तो दादा लक्ष्मी फिल्म के अपने अनुभव के बारे में जरा सा दर्शकों को बताएं। आपकी मुस्कुराहट कमाल है सर। यहाँ हिफा के बहुत सारे लोग हैं जी, जी दादा लक्ष्मी फिल्म से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, तो लक्ष्मी के दादा लक्ष्मी के अनुभव से तो सब लोग भी जानना चाह रहे हैं, मालूम ही है, जानते ही हैं। तो हम लोग बचपन से लक्ष्मी चंद, लक्ष्मी सांगी के नाम से कहीं ना कहीं जानते थे, सुनते थे, एक लेजेंड के तौर पर हुए हैं, तो उसके प्रति क्यूरियोसिटी तो थी। और जब इत्तेफाक से यशपाल ने बताया कि उस पर फिल्म बना रहे हैं, और काफी दिनों से वो लगे हुए हैं, सोच रहे हैं, स्क्रिप्ट लिखी उन्होंने बड़ी, मुझे पता है कई सालों से खूब मेहनत कर रहे थे, बहुत बुरी तरह इन्वॉल्व थे, तो उसके प्रति नेचुरली एक क्यूरियोसिटी पैदा होना स्वाभाविक है। तो और फिर उसमें हरियाणवी जो म्यूजिक है, जो खासकर उसमें सांग में वो वाला ओरिजिनल, बिकॉज दादा लक्ष्मी खुद जो है एक्टर, डायरेक्टर, म्यूजिशियन, और कमाल के लिरिक्स, उनकी जो उसके अंदर जो कविताई है उनके लिरिक्स की गजब है, वो वाकई इतना फिलोसफिकल है, इतना अध्यात्म है उसके अंदर, उस सब पे ये काम करते रहे। और क्या आपको भी उसमें, क्यों आप तो हरियाणा से हैं, आपको उसमें जुड़ना है? मैंने कहा भाई जब कहोगे जो कहोगे, खत्म हुई बात, इतने दो शब्द बहुत होते हैं वरना भाषण देने को, तो आप जी जी। तो जब उन्होंने कहा कि ये वाला, पहले कुछ शायद कुछ और सोच रहे थे, वो बाद में कुछ और डेवलपमेंट हुई, तो उन्होंने मुझसे ये कराया। मैंने कहा भाई ये करवा रहे हो, गाना गवा रहे हो, मुझे गाना वाना गाते हुए बड़ा आई फील वेरी सेल्फ कॉन्शियस, मैं उतना कंफर्टेबल जितना मैं डायलॉग बोलने में या दूसरा कुछ भी करने में अपनी कोशिश जब करता हूँ, तो कंपैरेटिवली मुझे कोई इनहिबिशंस नहीं है, लेकिन गाने को लेकर थोड़ी सी मैं बहुत नेचुरल या कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करता। मगर उन्होंने कहा नहीं आप करेंगे और करवाना है। मैंने कहा तुम करवा लोगे तो फिर हमको क्या है। क्या बात है। जब सारथी सारथी कहता है कि नहीं मैं करवाऊंगा तो फिर, और मैं हमेशा मानता हूं कि डायरेक्टर अल्टीमेटली उसकी ही वो रहती है, कैप्टन ऑफ द शिप है, और उसे अगर कॉन्फिडेंस है तो बात बन ही जाएगी। क्योंकि मैंने अपना करियर, अभी तो ज्यादातर 99% लोग मुझे एज ए एक्टर ही जानते हैं, लेकिन दिल्ली जैसे मैंने बताया मैं 13 साल बाद बंबई आया, तो 13 साल तक मैं, बल्कि शुरू के 5-6 साल तक तो सिर्फ डायरेक्टर के तौर पे जाना जाता था, बाद के 5-6 साल में डायरेक्टर और एक्टर दोनों जाना जाता था, और मैंने पास भी ओरिजिनली एज ए डायरेक्टर पास किया हुआ एनएसडी से। मुझे एक्टिंग सीखने के लिए डायरेक्शन सीखनी पड़ी थी, क्योंकि मैं बहुत शाई और बहुत लो प्रोफाइल था, बहुत शाई था, मुझे आती नहीं थी बात बात करनी या अपने आप को दिखाना। मैं आज तक, अब तो बहुत फर्क पड़ गया, मैं कभी किसी को कह नहीं पाता था मैं एक्टर हूं और मुझे काम दीजिए। अरे पास करने के 10-12 साल तक, 15 साल तक मैं कभी कह नहीं पाया, किसी पर जा नहीं पाया, इसीलिए कभी मैं फोन नहीं करता था,
डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिलने नहीं जाता था, क्या कहूंगा कि मैं एक्टर हूं, मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, और मुझसे निकलेगी भी तो जैसे कोई भीख मांग रहा हो, ऐसे निकलेगी। नहीं सर जी, बहुत थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हिचकता था मैं, तो मैंने कहा डायरेक्टर को जब है तो फिर मुझे क्या डर है, सैया भाई कोतवाल तो फिर डर का आएगा। सही बात है। क्या बात है, क्या। और सर इतना कमाल का काम किया है ना सर आपने, मानसिंह जी के चरित्र को इतना जीवंत कर दिया है आपने, बिल्कुल हम उसी दौर में पहुंच जाते हैं, जितनी सहजता स्वाभाविकता से आपने वो किरदार निभाया है सर, वाकई कमाल। मतलब उस प्रभा मंडल में घिर जाते हैं आप, जितनी देर जो आपके भीतर की ललक है ना सर, एक एक संत तत्व की, एक सूफी जो कुलबुलाहट आपके भीतर चलती है, वो आपके चेहरे पर वो प्रभा मंडल आपका दिखाई दिया सर उस किरदार में, तो बहुत अच्छे से कमाल चरित्र उभर करके आया सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। होता क्या है, मुझे लगता है कि जो स्क्रिप्ट होती है ना और जो सीन होता है, और खासकर वो अपने आप ही आपको करवा ले जाता है, मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, प्लस डायरेक्टर को आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और बाकी वो सीन है। पर अगर बस एक चीज मुझे लगता है सिर्फ जो काम कर रही होती है हर चीज में, और जो लगातार हमें सीखनी भी है आज भी, अब भी और आगे के भी सब कामों में, और हर बार हम कोशिश करते हैं, कई बार कितना कामयाब होते हैं ये तो वक्त बताता है, वो है ईमानदारी। क्या बात, बिल्कुल। उसके अलावा कुछ नहीं है, कम से कम मैं अपनी बात, मुझे क्राफ्ट वगैरह कुछ नहीं आता है, मगर मैं, मेरी कोशिश उतनी ही ईमानदार होती है जितना ईमानदारी शब्द परिभाषित कर सकती है कोशिश। मैं कैसा हूं कैसा नहीं ये तो ऑडियंस ज्यादा जानती है, काम अच्छा हुआ है कभी हुआ है कभी नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है अगर वो होगा तो कुछ ना कुछ बात बन ही जाती है, और वो आपको हर बार जीरो से शुरू करनी पड़ेगी, हर बार हर रोल के लिए। क्या बात है, बिल्कुल, हम जब तक रिक्त नहीं होंगे तब तक भरेंगे कैसे, अपने आप को बिल्कुल ऐसा खालीपन शून्यता दे करके ही हम बहुत कुछ सीखने की गुंजाइश बचा पाते हैं। उस आदमी की अंतरतम में आपको जाना पड़ेगा, बिल्कुल, वो जो जैसे कहा जाता है परकाया प्रवेश, तो काया में तो मुझे नहीं आता जाना, लेकिन मैं उसके मन में जरूर कोशिश करता हूँ कि मैं उसमें घुस जाऊं, उसके मेरी रगों में उसका खून या उसकी रगों में मेरा खून दौड़ने लगे। क्या बात है सर, क्या बात, बिल्कुल। और ये मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगी सर बड़े बेबाकी से कि आप जैसे लोग जो है ना वो विश्वविद्यालय है असल में, जो जिनसे हम जैसे बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ, अभिनय का विश्वविद्यालय आपको हम कह सकते हैं कि इतनी, मतलब जो लोग जीते हैं अभिनय को, बहुत चंद लोग ऐसे रहते हैं जो जीते हैं, बाकी लोग अभिनय करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि थिएटर से जुड़े लोग जीते हैं अभिनय को, और आप उन्हीं में से हैं। नहीं, अभिनय मुझे तो लगता है हर आदमी अपने आप में एक स्कूल है अभिनय, अभिनय दरअसल आप खुद ही अपने धीरे धीरे, देखिए एक तो अंदर होता है जो आपने कहा आपके, लेकिन उसके बाद उसको इंस्टीट्यूशंस में अगर आप मौका मिलता है जाने का, आप इतने लकी हैं, वहां उसे मांझने का मौका मिलता है, वहां से आप क्राफ्ट धीरे धीरे उसको सीखते हैं, क्राफ्ट भी सीख लिया कर भी लिया, उसके बावजूद भी आप अच्छे एक्टर नहीं हो सकते पूरी तरह से, आपको ऑब्जर्वेशन देखनी पड़ती है, आपको अपने आप को देखना आना चाहिए कि मैं करता क्या हूं और कैसा दिख रहा है, तीसरे को कैसा लग रहा है, उससे आप अपनी खामियां दूर करेंगे और बेहतर करेंगे हर बार। हर आदमी एक स्कूल है अपने आप में, अभी अभी दिलीप साहब गए, वो अपने आप में, मतलब कौन सा हिंदुस्तान का एक्टर ऐसा होगा जो उनसे प्रभावित ना हुआ हो, मगर उनसे प्रभावित होकर भी नसीरुद्दीन शाह जैसा एक्टर सारी उनसे बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है, आप कहीं तो देख लीजिए उनके अंदर कि जरा सा उन्होंने कुछ उनको कॉपी किया हो, या कभी उनके अंदाज में कहीं दिलीप साहब दिखे होंगे, कभी नहीं दिखे। तो दरअसल आप खुद अपने मास्टर होते हैं, खुद अपने टीचर बनते हैं, और ये है सेल्फ एजुकेशन ऑफ द एक्टिंग, दिस इज नथिंग टू डू विद आप कौन सी इंस्टीट्यूशन से आए हैं या इंस्टीट्यूशन में पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जी, वो तो किसी स्कूल में नहीं गए थे, यूसुफ साहब किसी स्कूल में नहीं गए, अमिताभ बच्चन साहब किसी स्कूल में नहीं गए,
तो ये कुछ सेल्फ ट्रेनिंग है और कुछ आपकी अपनी अभिव्यक्ति है जो जो आपको जितना पढ़ेंगे आप वहां से मिलेगी, नई नई इमोशंस मिलेंगे, उनके साथ साक्षात्कार करना आप सीखेंगे, उनके साथ आत्मसात करना सीखेंगे, किसी के दुख के साथ आप रोना सीखते हैं, हंसना सीखते हैं, वो जितना पढ़ेंगे वो चीजें आपके अंदर पैदा होने लगती हैं, और फिर उनको कैसे अभिव्यक्त करना है, कुछ आप अपने ही अंदर से निकालते हैं, कुछ आप अच्छे से अच्छे एक्टर्स को देख करके ये महसूस करते हैं कि क्या करते हैं। मुझे ये सब सीखने के लिए डायरेक्टर बनना पड़ा, चार पांच साल सिर्फ डायरेक्शन ही की पास करने के बाद भी, तब मुझे लगा एक्टर से बात करते करते कि एक्टिंग तो अच्छा कोई इसकी मिस्ट्री नहीं है, थोड़ा सा जितना देखोगे आप अच्छे एक्टर्स को ऑनेस्टली और प्यार से वार्म कंपैशन के साथ पैशनेटली उनको देखोगे उतना आपको भी आप सीख सकते हो, और आपको लगेगा हाँ मेरे अंदर भी पता नहीं क्या क्या है जिसको मैं, बस सिर्फ वो ढूंढने वाली बात है और कुछ इंस्पायर होने की बात है। इसलिए कोई एक ये नहीं कि आप, मगर मैं कहूं कि आप कहें कि आप विश्वविद्यालय, ऐसा कुछ नहीं है, आज भी हो सकता है, हर बार आपको कई बार किसी रोल में ऐसा लगता है यार ये तो बड़ा चैलेंज है, ये कैसे मैं करूंगा, कैसे कर पाऊंगा इसको, आप कोशिश कर सकते हैं, बस कोशिश अपनी जारी रखें, ईमानदार कोशिश करते रहिए, उसके बाद क्या होता है वो पसंद आता है नहीं पसंद आता, कामयाब होता है नहीं होता है, वो तो फिर धूप और हवा और पानी और जलवायु पर छोड़ दीजिए। पौधा कैसे बड़ा होता है, आप खाद डालते हैं, मिट्टी डालते हैं और पानी भी रोज देते हैं, फिर बार बार और जरूरी खाद देते हैं, मगर एक पौधा तो बड़ा वृक्ष बन जाता है, दूसरा उसके साथ लगा गया था कमजोर रह जाता है, तो बाकी काम धूप हवा पानी ये सब करते रहते हैं, जलवायु मौसम। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मुझे आपकी इन्हीं बातों पर सर आदरणीय डॉक्टर कुंवर बैचरन जी की वो पंक्तियां याद आ गईं कि किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं जी। किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं, और हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है, हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं। तो बिल्कुल सर, कोशिश बहुत जरूरी है हर एक उसमें, पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से। और अगर हम आपकी फिल्मों पर दृष्टिपात करें, हालांकि इतनी फिल्में हैं उन सभी पर चर्चा करने के लिए तो बहुत सारा समय चाहिए, लेकिन लगान फिल्म में जो आपका किरदार था सर, लगान फिल्म का आज तक कोई जवाब नहीं है, 20 वर्ष अभी पिछले दिनों जो है लगान के हुए, और वाकई एक ऐसी फिल्म जिसने भारतीयता क्या है उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर तक दिखाया कि हाँ ये है भारत, उस फिल्म का हिस्सा बनना यकीनी तौर पर, मतलब ये पूरा जो अनुभव था उस फिल्म से जुड़ना, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, तो आप बताएं लगान में किस तरह से जुड़ना हुआ और फिर उस दौरान काम करते हुए के अनुभव कुछ आपके अगर हम जान सके। नहीं, मैं तो बहुत गर्व महसूस होता है जब भी लगान को हम याद करते हैं, लगान के उस पूरे अनुभव को जब मैं याद करता हूं, तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ वन्स लाइफ इन बॉम्बे, निश्चित रूप से मैं इसको कहने में मुझे कोई नहीं है, बल्कि मैं तो यहां तक मानता हूं कि उसको ऑस्कर 4 लोगों में से 1 को मिल गया, 3 को नहीं मिला, ये अनइम्पॉर्टेंट बात है, इट इज एज गुड एज मिल जाना। तो इससे बड़ा क्या गर्व की बात होगी, और प्लस ये तो रही क्या उसकी अचीवमेंट है, लेकिन आज भी जिस तरह से उस फिल्म को देखा जाता है, जिस तरह से हम लोग खुद अगर देखने बैठ जाएं तो देखते ही रह जाते हैं, वो हिलने नहीं देती आपको, इतना इतनी लिविंग फिल्म है वो, ऐसा लग रहा है हो रही घटित हो रहा है हमारे सामने, हम उसके हिस्से, तो ये सब अपने आप में बहुत बड़ी बात है, प्लस उसका जो अनुभव था वहां शूट करने का, हमारे प्रोड्यूसर का जो एटीट्यूड था, डायरेक्टर का जो, जितनी पेशेंस के साथ दोनों ने वो काम किया, और वहां 48 डिग्री की गर्मी के अंदर, भुज के अंदर रेतीला इलाका, बहुत बहुत कमाल की बात है, और सबका जो डेडिकेशन था वहां, और आपस का जो एक केमिस्ट्री थी एक्टर्स की, आपस में जो मस्ती करते थे हम लोग,
काम ये यशपाल को अच्छी तरह मालूम है, यशपाल और मैं तो मेन जुआरी थे वहां के घी के बाहर जो जुआ खेला जाता था, ताश खेलते थे हम लोग। तो खैर ये तो मजाक की बात आई, बट अपने आप में वो एक ऐसा अनुभव है जिससे कोई भी फिल्म मेकर, कोई भी एक्टर, कोई भी फिल्म से जुड़ा हुआ आदमी जिसको बार बार देखकर, उस फिल्म को, उस फिल्म की मेकिंग को देखकर, उस फिल्म के एक्टर्स के या बाकी सबके अनुभवों को शेयर करके इतना कुछ सीख सकता है कि बेस्ट चीजें कैसे बनती हैं और कितनी उसमें पेशेंस चाहिए, कितनी लगन चाहिए, कितनी ईमानदारी चाहिए, मगर यू कैन अचीव इट, यू कैन डू इट। बिल्कुल बिल्कुल वो कमाल की। सही था जी। सर आपसे करने को बातें तो इतनी सारी हैं, इतनी सारी हैं, और आपको सुनते हुए पता है क्या लग रहा है कि बस सुनते ही जाएं, लेकिन थोड़ा सा समय की अरे सीमाएं हो जाती हैं। लेकिन मैं चाहूंगी कि चलते चलते आपकी कविता तो हमें सुननी ही है सर, लेकिन उससे पहले आपके कुछ फ्यूचर प्लान्स जो हैं, अब आगे हमारे लिए क्या उपहार आप लेकर के आ रहे हैं, क्या कुछ नया आप करने जा रहे हैं, उस बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा। कुछ ऐसा कहने को मेरे पास नहीं है उस बारे में, क्योंकि मैं क्या कहूं, काम अपने आप आपका बोलता है, आप अपने बारे में, वो थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए। जी, चलिए सर, वो तो और मैं समझ सकती हूँ सर, क्योंकि एक कलाकार जो होता है ना, वो इस तरह से तय करके प्लानिंग और उस तरह से चलते भी नहीं है। कलाकार लोग तो फकीर होते हैं सर, जहां जैसे चले बस चल दिए अपना मस्ती में, तो उस तरह से आप तो जी रहे हैं अभिनय को बिल्कुल और पूरी शिद्दत से, और ये हम लोगों का सौभाग्य है सर, यकीनी तौर पर आज बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के पटल पर आप आए हैं, लेकिन हम आपको अरे ऐसे ऐसा जाने कुछ नहीं नहीं है, देंगे सर, हम मैं आपको तो एक ऐसे नहीं जाने आम, देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक आम आदमी हूँ, अपने जितने हमारे दर्शक हैं उनकी तरह से मैं ये काम कर रहा हूँ, आप ये कर रही हैं, कोई और कुछ और कर रहा है, बस और क्या। जी। तो आप सर अपना बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को अपना आशीर्वाद दें, कि कुछ चंद शब्द हमारे लिए, ताकि कुछ आपका मार्गदर्शन पा करके हम आगे बढ़ सकें, तो बिफ के लिए चंद शब्द अगर आप कहें। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को, जिस मकसद को लेकर वो चले हैं, भगवान करे वो उसमें कामयाब हो, और ये भी कि वो पूरे दिलो दिमाग से, तन मन धन से, ईमानदारी से उसमें लगे रहें, तो कामयाबी निश्चित रूप से आपको मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी सर, जब आपका आशीर्वाद मिला है, आपका मार्गदर्शन मिल रहा है लगातार, आपका स्नेह मिल रहा है, तो यकीनी तौर पर कामयाबी मिलेगी ही। और बस आपकी कविता रह गई है सर, और हम आपको बिना कविता सुनाए नहीं जाने देंगे, तो आपकी अपनी अरे लिखी रचना। और सर साथ में मैं एक दरख्वास्त जरूर करूंगी कि ये लेखन की निरंतरता जरूर बनाए रखें सर, ताकि बहुत जल्दी आपकी पुस्तक हमारे सामने आ सके तो ये भी हमारी दरख्वास्त है हम सभी की। ये कोई जरूरी नहीं ना, मैं इस वादे को आपके पूरा करने का कोई वादा आपसे करता हूं, क्योंकि मैं नहीं लिखता हूं कभी इत्तेफाक से। जब हम नाटक में आए थे तभी इतने अच्छे अच्छे नाटक हम लोगों ने पढ़े और किए, उन्हीं दिनों मुझे लगता था यार मैं भी कभी क्या राइटर बन सकता हूं क्या। ये आपको मन का एक भटकता है ना, मन तो मन की एक बात बता रहा हूं, बट मैं कभी उसको कर नहीं पाया, क्योंकि मेरे पास, एक तो मैं कभी लिटरेचर का स्टूडेंट नहीं रहा, मैंने पढ़ा ही उसके नहीं। लिए अनिवार्य भी नहीं है सर, लेखन के नहीं लिए नहीं स्टूडेंट भाषा, होना जरूरी आपके पास भाषा शब्द तो आने चाहिए ना, शब्द नहीं बंद है। होते, बात कहने को तो उसका बहुत अध्ययन कुछ क्या है, होता है सर? उनको शब्दों में आता नहीं, और बल्कि मुझे तो कभी कभी लगता है मैं एक्टर इसलिए ज्यादा और कुछ नहीं कर पाया या किसी और चीज में मन नहीं लगा, क्योंकि मेरे पास अपनी ही बात कहने को शब्द नहीं। अभी तो, अब तो मैं बहुत बोलने बोलता हूँ, शब्द ही नहीं है। अच्छे लेखक, अच्छे कवि के पास अपनी हर बात को कहने के लिए तरह तरह के सैकड़ों लाखों शब्द होते हैं, मेरे पास नहीं है। बल्कि आपने कविता की बात की है, मैं आपको ये बड़ा बड़ा एक एक नासूर है कि आपकी इच्छा है, आप कुछ कहना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, मगर नहीं, भाषा साथ नहीं दे रही आपको, क्या कई करें। बार होता है सर ऐसा।
मतलब कई कई बार तो होता है, यहाँ तो वही होता और कुछ नहीं ऐसा नहीं है सर। होता। इसलिए इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई वो तो कोई सर असल में वादा मेरे नहीं ख्याल है। कभी कहीं लिखी भी नहीं जाती, आप तरीके होती है भीतर से कहीं उमड़ घुमड़ के एकदम से प्रवाह चल पड़ता है कई बार। आपकी अपनी रचना सर हम सब इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको एक कविता है जिसका शीर्षक है शब्द। स्वागत है सर, स्वागत शब्दों से ही बात निकली। जी। पता नहीं कब से, शायद जन्म जन्मांतर से, कर रहा हूं केवल इंतजार अपने शब्दों का या क्या खुद अपना। पता नहीं कब से, शायद जन्म जन्मांतर से, कर रहा हूं केवल इंतजार अपने शब्दों का या खुद अपना। भटक रहा है जो सदियों से, भटक रहा है जो सदियों से गली गली मोहल्लों और चौराहों पर, स्कूल और घर में, दोस्तों और बाजारों में, मंडी में, मंदिर में, मस्जिद में, खेतों और तालाबों में, नदी किनारे, आसमान में, बहन में, भाई में, भटक रहा है जो अपनी चढ़ती उम्र के उतार में, जंगलों, पहाड़ों और तिलिस्मी गुफाओं में, तेज रोशनी से चुंधियाता, अंधेरों में अंधियाता, कॉलेज में भटकता, कहानी, उपन्यास और सिनेमा में डूबी संवेदनाओं को जीता, भटकता अमीर रिश्तेदारों के घर, कपड़ों और स्टाइल में ललकता, भटकता बार बार, पढ़ाई से सिनेमा, सिनेमा से लड़की, लड़की से प्यार, प्यार से सेक्स और सेक्स से उलझन, तनाव और भटकन, क्या बात और है, इन सब से भागकर लौटता फिर नाटक, कहानी और उपन्यास की दुनिया में, जहां सब कुछ था प्यार, संवेदना, लड़की, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े विचार, बड़े बड़े आदर्श, जीवन की सार्थकता, आदर्श समाज के सपने, सच्चाई की जीत, मनुष्य होने पर गर्व करने को सब कुछ था, पर कुछ था जो नहीं भी था, और मैं इंतजार करता रहा उस कुछ का, क्या और बात है मैं सर, क्या इंतजार करता रहा उस कुछ का जो नहीं था, जो अव्यक्त था, हर जवाब के बाद फिर सवाल बन के वहीं टंगा रह जाता, मनुष्य, समाज, देश, ईश्वर, न्याय, सबको कटघरे में खड़ा करता, खुद जीवन को, अपने होने को, पता नहीं कब से, शायद जन्म जन्मांतर से। क्या बात है सर, क्या बात, क्या बात, अद्भुत सर, अद्भुत, नमन है आपको, अद्भुत लिखा है सर। वो जो कुलबुलाहट है ना सर, सारी आपके भीतर की, वो जो कुछ नया खोजने की जो जिजीविषा है आपके भीतर, वो सब इस पूरी कविता में जाहिर हुई है सर। अद्भुत, कमाल की रचना सर, कमाल की रचना। और सर वाकई ये जो समय रहा है ना सर, यूं लगा कि पता नहीं कितना कुछ पा लिया है, कितना कुछ जान लिया है आज। मैं अभिभूत हूं सर, और यकीनी तौर पर खुश नसीब भी हूं कि आप जैसे शख्सियत के साथ ये शाम साझा करने का मुझे अवसर मिला है। और बहुत बहुत शुक्रगुजार भी हूं सर, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आपका। और हम अभी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मन भरा नहीं है सर, हालांकि अभी कोशिश करेंगे कि जल्द ही आपसे फिर से जुड़े, फिर से कुछ और लंबी बातचीत हो, ढेर सारी बातचीत हो, इजाजत। लेकिन जी समय की सीमा है बस इसीलिए ही। और आज आप जुड़े, आपने इतना कीमती समय दिया, इतने कमाल की बातें की, अद्भुत रचनाएं सुनाई, थैंक तहे दिल से शुक्रिया सर, धन्यवाद, प्रणाम सर, यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों कितना आनंद आया ना, वाकई वाकई अद्भुत आज का पूरा समय रहा, और बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। और अगर आप भी इसी तरह से निरंतरता में कुछ करने की खोज अपने भीतर पाते हैं, कुछ ना कुछ नया रचना चाहते हैं, सिनेमा बनाना चाहते हैं, शॉर्ट फिल्में बनाते हैं, फीचर फिल्म बनाते हैं, या डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं,
हम आपका साथ देंगे। जी हाँ, आप अपनी एंट्रीज हमें भेजिए और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि वैश्विक पटल पर आपकी फिल्मों को पहुंचाया जाएगा। और आपको खास बात बता दूं, अगर आप 31 अगस्त तक अपनी सारी एंट्रीज भेज देते हैं तो आपको मिलेगा 50% तक का डिस्काउंट। सुनहरी मौका है दोस्तों, छोड़िएगा नहीं बिल्कुल भी। फिल्म फ्री पेवे के माध्यम से आप अपनी एंट्रीज हमें भेज सकते हैं और साथ ही साथ जो है हमारे जो बिप का जो पेज है वहां जाकर के भी पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। और आप स्क्रीन पर भी नीचे देख पा रहे हैं हमारे सभी नंबर्स आ रहे हैं, वो उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किसी भी माध्यम से जुड़े, लेकिन जुड़े जरूर, क्योंकि ऐसे मौके रोज रोज नहीं मिलते दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आप जो है अपने प्रोडक्ट्स को दिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया को, आप जुड़ना चाहते हैं स्पॉन्सर के तौर पर, तो उसमें भी देरी मत कीजिए, जल्द से जल्द जुड़िए। और हमारे साथ अभी भी जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, यश विद्या फिल्म्स, पहल फाउंडेशन और साथ ही साथ फाइन ग्रेन फिल्म्स और फिल्म ट्रीवे, इनकी भांति आप सब भी जो हैं हमारे स्पॉन्सर्स बन सकते हैं। सोचने में समय मत गवाइए, बस जुड़ जाइए, जल्दी से आइए और हमारे साथ जुड़ करके पूरा पूरा आनंद उठाइए बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 का। जी हाँ, और जितने भी तमाम लोग जुड़े, डॉक्टर मानसिंह दयानंद हैं, कल्पना झा जी लगातार जुड़ी रही, आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र गौतम जी जुड़े रहे, यशपाल शर्मा सर जुड़े रहे, प्रतिभा सुमन मैम, शेफाली गुप्ता जी और हमारे बिप के जो डायरेक्टर हैं सौरभ जी, वो भी लगातार जुड़े रहे, रमन नासा जी लगातार जुड़ी हैं, विशाल शर्मा जी लगातार जुड़े हैं, जितने भी लोग, विकास यश कीर्ति जी जुड़े थे, जितने भी लोग जुड़े हैं, यकीन मानिए आप वो जिज्ञासु लोग हैं जो बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। तो जुड़े रहिए बिप 2021 से, और लेट्स टॉक में अगली बार मिलते हैं एक और नए शख्सियत से, एक और अद्भुत व्यक्तित्व से, इंतजार कीजिएगा। नमस्कार।